Good morning, sir. Good morning. Good morning. Yes, sir. Yes, sir. Welcome to everyone. Sir, please start. Pyramid Meditation Channel में आप सभी का स्वागत है. मैं श्रीकांत कुलकर्णी. हमारे जो चक्रों के बारे में सेशन चल रहा है, उसमें का चौथे चक्र के बारे में कल हमने काफी नई बातों पर चर्चा की. आज उसी चक्र के बारे में बहुत ही नई चर्चा हम करेंगे. जो ज्ञान माता महालक्ष्मी जी ने सीधे सीधे ग्रेट मास्टर आनंदा करणेश जी को दिया है, वो वैसे के वैसे इस किताब से लेकर 1000 Seeds of Joy से लेकर मैं आपके साथ उसी की चर्चा कर रहा हूं. इसमें सर्वप्रथम करुणेश जी पूछते हैं क्या माता जी हृदय है क्या? क्या हृदय या हमारा हृदय चक्र इसमें सिर्फ प्रेम ही है? प्रेम है तो माता जी कहती है हाँ. अगर यह प्रेम ठीक तरह से समझ नहीं लेते हैं तो यह प्रेम एक बोझ बन जाता है उस व्यक्ति के ऊपर. और जिससे वो प्रेम बांटता है उसे भी वह प्रेम एक बोझ लगने लगता है. लेकिन अगर इसे हम समझ लेते हैं कि यह कौन सा प्रेम है, इस प्रेम का अर्थ क्या है, और इसीलिए माता जी कहती है कि यह जो जगह है हृदय चक्र अनाहत चक्र या समझने के लिए हमारा असली हृदय. लेकिन जैसे ही हम असली हृदय की बात करते हैं हमारे सामने वह एनाटॉमी की फिगर आ जाती है. तो यहां पर हमें उस हृदय में तो ये भावना आती है उसी की वजह से वह चलता है, लेकिन उसे नहीं देखना है. हमारी थाइमस ग्लैंड के ऊपर ये हृदय चक्र होता है उसके तरफ देखना है, सेंटर. यह प्रेम का भी सेंटर है. द एसेंस ऑफ हार्ट सेंटर इज लव. क्यों? क्योंकि सारे पंच तत्व जिनसे हमारा शरीर बना है वो सारे के सारे यहां पर मौजूद. All the elements are present in this chakra. It is a place of great expansion. It is a place where goddess comes and stays. तो माता महालक्ष्मी जी यही कहती है कि जब तक आप इस प्रेम को समझ नहीं लेते हैं, इसको महसूस नहीं कर सकते, तब तक आप शून्यता को समझ नहीं पाएंगे, शून्य स्थिति को समझ नहीं पाएंगे, शून्य स्थिति में जा नहीं पाएंगे. और इसीलिए यह महत्व रखता है. शून्यता को समझने के लिए हमें इस चक्र को समझना है. यह चक्र है बहुत ही महत्वपूर्ण. यह हमारे ऊपरी तीन चक्रों में से एक चक्र है. तीन ऊपरे के चक्रों में पहला चक्र, पूरे चक्रों में चौथा चक्र. वे कहती है जब तक हम शून्यता को समझ नहीं लेते तथा अंदर के आनंद को नहीं समझते या महसूस नहीं करते तो हमारे अंदर का प्रेम एक बोझ बन जाता है. वह दूसरों को हम पर प्रेम करने की क्रिया पर निर्भर हो जाता है. हम अपेक्षा करने लगते हैं दूसरों से
कि क्यों यह मुझसे प्रेम नहीं करती या क्यों यह मुझसे प्रेम नहीं करते, और यही भावना में रहते हैं हमेशा। हमारे हृदय का, जो हृदय चक्र का सार प्रेम ही है, क्योंकि सारे तत्व, पंच तत्व जिनसे हमारा शरीर बना है, वही सारे तत्व यहां जमा होते हैं। यह जगह है जहां विस्तार होता है, यहीं पर प्रेम की देवता जैसी माता महालक्ष्मी स्वयं यह कहती है कि जब मैं प्रवेश करती हूँ, आती हूँ, तो यही इसी जगह पर आती हूँ, और यहीं पर परिपूर्णता होती है, इसलिए परिपूर्ण होकर हम यहीं पर आते हैं। यह वही जगह है जहां अगर स्त्री अपने आप को खुला करती है, जब वह प्रेम कर रही है, उस वक्त वह बहुत ज्यादा ऊर्जा अनुभव करती है अपने लिए तथा अपने पति के लिए। अगर पुरुष पूरी तरह उस स्त्री से जुड़ा हुआ है, तब ही उसी वह भी उस ऊर्जा को महसूस करेगा, उसका अनुभव करेगा। इसीलिए कभी कभी स्त्रियां रोती है, क्योंकि उनके हृदय से देवी की शक्ति, देवी की ऊर्जा बाहर आती है। यह वहां पर अंदर प्रवेश करती है, देवी की ऊर्जा। यहां से मानव का प्रेम, सिर्फ प्रेम ही नहीं, बल्कि उसको धैर्य भी मिलता है, धैर्य का भी अनुभव मिलता है। इसीलिए कहते हैं, अगर तुम साथ हो तो कोई मुश्किल नहीं, इस तरह के जो डायलॉग आते हैं वो अपने आप नहीं आते, ये सिर्फ कही हुई चीजें नहीं है। स्त्री पुरुष का साथ इस हृदय चक्र के अंदर जो प्रेम है, उसे समझकर ही अगर किया जाता है, महसूस किया जाता है, तो इस तरह की बातें होती है। और इसीलिए कहते हैं, एवरी सक्सेसफुल मैन हैज ए वुमन बिहाइंड हिम। ये बात सिर्फ वैसी ही नहीं, ये अनुभव की बातें है, इसीलिए इतिहास में कही जाती है। फिर ऊपरी तरह से वह स्त्री कैसी हो, यह दुनिया नहीं जानती, या उस पुरुष के मन में क्या है, यह दुनिया नहीं जानती। लेकिन समझने की बात यह है कि हमारा जो मन होता है, वह हृदय में नहीं होता है, अनाहत चक्र में मन नहीं होता है। क्यों? और इसीलिए यह चक्र हर समय खुला रहता है। ये बहुत बड़ा एक सीक्रेट बता रही है माता लक्ष्मी जी, कि हम जो समझते हैं कि हमें सभी चक्रों को खोलना रहना है, उसको क्लीन करना है, ऑल दिस थिंग्स, वो कहते हैं क्योंकि ये ऊपरी चक्र है, ये तीनों चक्र, हमारा अनाज चक्र, विशुद्धा चक्र तथा ज्ञान चक्र, ये हमारे सहस्रार चक्र के थ्रू हमारे हायर सेल्फ, परम आत्मा से जुड़े रहते हैं। ये हर समय खुले रहते हैं, हमेशा खुले ही रहते हैं। इसी के वजह से तो हम जन्म लेते हैं, अपना शरीर पाते हैं, सब कुछ करते हैं, और जैसे ही हम शरीर पाते हैं, निचले तीनों चक्र वहां शरीर के साथ होते हैं। और इसीलिए इन निचले तीन चक्रों को ही खुला करने की, क्लीनिंग करने की आवश्यकता। और मन कहाँ होता है? इन निचले तीन चक्रों में ही, उसी के इर्द गिर्द होता है हर समय, जन्म से लेकर मृत्यु तक मन वही होता है, उसी के आसपास, शरीर के आसपास। शरीर है तो मन है, मन है तो शरीर है। इसीलिए ये बात समझनी है, यह अनाज चक्र हर समय खुला रहता है, लेकिन इसका खुलापन, इसके अंदर जो हमारा
प्रेम होता है, इसकी वजह से जो धैर्य का पता चलता है, ये सारी बातें हमारे समझने की बातें हैं, महसूस करने की बातें। और इसीलिए वे तब हो सकता है जब हम अपने निचले चक्रों को खोल लेते हैं, तभी इससे पूरी तरह जुड़ सकते हैं। माता जी कहती है कि ये, मैं ये नहीं कहती हूं कि अपने को सारे चक्रों को क्लीन करना या ओपन करना आवश्यक नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वे कहती है कि सबसे ज्यादा आवश्यक है नेटवर्क इशू, एक्सक्यूज मी। यमुना तब तक तुम बोल दो भाई, जब तक उनका नेटवर्क चालू नहीं होता है। ठीक है। हाँ, सब थोड़ा सा नेटवर्क इशू है जब तक सर ज्वाइन कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। महेश, आर यू देयर? महेश तलेकर, ठीक है, वो बंसी मेहता जी को पूछ लीजिए, अगर वो हैं तो उनका जवाब दे। ठीक है, महेश इज देयर मेबी। महेश, बंसी मेहता जी को कल महेश अग्रवाल जी से बात करनी थी। yes. तो है क्या वहाँ पे? अगर वो नहीं है तो यमुना जी आप कंटिन्यू करिए कुछ। यस यस सर, महेश प्लीज कंटिन्यू। तो सर जो है, कुलकर्णी सर चक्रास के बारे में बात कर रहे थे, तो कहने का मतलब यही था सर का। और सर कुलकर्णी जी जो थे वो 1000 Seeds of Joy को रेफरेंस लेके आनंद करुणेश ने जो बात कही उसे बहुत विस्तार से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जब हम ये मानव शरीर लेते हैं तो इस मानव शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट जो चक्र हो जाते हैं वो नीचे के तीन जो हमारे हैं। अगर हम उन तीन चक्रों के बारे में ज्यादा विशेष ध्यान देंगे तो ऊपर के तीन चक्र जो है, जो अनाहत है, विशुद्धा है और आज्ञा चक्र है, उसे खोलने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। ये जो चक्र जो ऊपर के तीन होते हैं वो महालक्ष्मी जी के हिसाब से, यानी जो आनंद करुणेश और महालक्ष्मी जी के बाद चैनलिंग से बात हुई थी, तो उनके हिसाब से कि ये तीनों जो चक्र हैं वो हमेशा खुले ही रहते हैं। लेकिन जब हम मानव का शरीर लेते हैं तो हमारे बीच में इच्छा, द्वेष, ये सब जो चीजें हैं ये ज्यादा एक्टिव होती है। और ये ज्यादा एक्टिव होने के कारण हमारे जो नीचे के तीन चक्र हैं उनके ऊपर मलिनता ज्यादा होती है, उनके ऊपर हमें ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है कि उन तीन चक्रों के वो हमें ज्यादा ध्यान देके उनको हमेशा एक्टिव रखने की जरूरत है। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट जो उस समय में भी कहा था और आज के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि हमारा मूलाधार चक्र है, जो रूट चक्र है, वो काफी इम्पोर्टेंट है। हम में और प्राणियों में क्या फर्क है, तो हमारे लिए मूलाधार चक्र जो है वो हमारा फर्स्ट चक्र है, बेसिक चक्र है। और वही प्राणियों के लिए मूलाधार चक्र ये उनका सबसे ऊपरी चक्र है। तो हम जब प्राणी से लेके, यानी एनिमल योनि से होते हुए मानव की योनि में आते हैं, तो एनिमल के लिए ये मूलाधार चक्र जो रहता है वो सबसे ऊपरी चक्र होता है और मानव के लिए ये मूलाधार चक्र जो है वो नीचे का होता है। इसीलिए ये बेसिक इंस्टिंक्ट जो है हमारी, जो प्राणी होता है वो बेसिक इंस्टिंक्ट के लिए हमेशा ऊपर से सोचता है, और इंसान जो है वो यहाँ पर आने के बाद
जमीन से जुड़ना बहुत कम होता है, तो वहाँ हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम इंसान हैं तो वहाँ पर मूलाधार चक्र यानी हमारे बेसिक नेसेसिटीज है उसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए था। थैंक यू महेश जी, थैंक यू। या श्योर सर, सो मच, वेलकम बैक सर, वेलकम बैक सर, प्लीज कंटिन्यू। तो हम जो हृदय चक्र के बारे में बात कर रहे थे, क्षमा चाहता हूँ कि मेरा नेट का कनेक्शन निकल गया था, मैं आगे शुरू करता हूँ कि यह उसके अंदर जो प्रेम की भावना होती है उसको समझना, महसूस करना वो महत्वपूर्ण होता है। और इसी के साथ साथ वे कहती है कि जो हृदय चक्र का रंग है ग्रीन कलर, हरा कलर जो है, जो हमें कई बार महसूस करते हैं वह असल में है वहां पर। और इसीलिए जैसे ही हम निसर्ग के साथ जुड़ जाते हैं तो निसर्ग के जो हरा कलर है, पेड़ों के पौधों के हरा कलर जो है, उसे देखकर ही हमारे मन में आनंद उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है। प्रेम होने की वजह से आनंद मिलता है। आनंद की भावना जो है वह आने के लिए उसका मूल तत्व जो है वह प्रेम होता है। तो वह मौजूद होता है हमारे हृदय चक्र में, अनाज चक्र में, और निसर्ग में ये हरे कलर में वो होता है, निसर्ग में होता है। तो जैसे ही हम उस हरे कलर की तरफ देखते हैं, पेड़ की तरफ, हरी सब तरफ हरियाली चाहिए है, तो जैसे ही निसर्ग में जाते हैं तो हमें आनंद महसूस होता है। तो इसीलिए वे कहती है कि एज यू वॉक अपॉन द ग्रास और यू लुक एट द ट्रीज और लुक एट ऑल थिंग्स इन नेचर दैट आर ग्रीन, यू कैन रिकनेक्ट विथ योर हार्ट टू एक्सपीरियंस योर वननेस विथ ऑल। और इसीलिए हमारे इस अनाज चक्र का रंग हरा है और इसी तरह से हम जुड़ जाते हैं निसर्ग के साथ। और इसीलिए अगर आपको निसर्ग में ध्यान करने का अवसर मिलता है तो जरूर जरूर निसर्ग में ही करना चाहिए, उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलता है और हम जुड़ जाते हैं निसर्ग के साथ। तो आगे करुणेश जी पूछते हैं, इज द लव ऑफ हार्ट अनकंडीशनल? ये एक सबसे बड़ी बात है। हमेशा इंसान प्रेम को ढूंढता रहता है। हम यही चाहते हैं कि कोई ना कोई मुझे प्रेम करे, बेतहा प्यार करे। ये फिल्मी डायलॉग, बे इंतहा प्यार करते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, अपनी जान दे सकता, ये सारे जो आते हैं बात, क्योंकि वह मन से हम यह चाहते हैं। तो वही सवाल करुणेश जी कर रहे हैं, इज द लव ऑफ हार्ट अनकंडीशनल? क्या इस अनाज चक्र में जो प्रेम होता है, जो प्रेम मौजूद है, क्या वह अनकंडीशनल है, यानी किसी भी जरूरत के या किसी भी बातों से जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ प्रेम है? तो माता जी कहती है, लव इज अनकंडीशनल बट इट इज ऑल्सो वॉट पीपल टर्न अवे फ्रॉम मोस्ट। तो कहती है, प्रेम है ही जो पूरी तरह अनकंडीशनल है, इसके अंदर कोई दूसरे भाव और जरूरतें जुड़ी हुई नहीं है, कोई अपेक्षाएं नहीं जुड़ी हुई। लेकिन कई बार जहां पर यह प्रेम होता है उससे दूसरे मानव दूर चले जाते, of what love really is. इस कलयुग में धीरे धीरे मानव भूलते जा रहे हैं ये अनकंडीशनल प्यार, अनकंडीशनल लव को, पूरी तरह असली प्रेम को भूल गए। और इसीलिए वो प्रेम को क्या समझते हैं, वो कहती है, लव इज नॉट डिजायरिंग एंड वॉन्टिंग टू सेटिस्फाई वन्स फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स। प्रेम सिर्फ अपनी चाहत इच्छाओं को, जो शारीरिक तथा मानसिक इच्छा जो है, हमारी भावनाएं है, उनको पूरा करना, यही प्रेम नहीं। ये बहुत आवश्यक है समझना। हम क्या समझते हैं कि दूसरा व्यक्ति उस पर प्रेम करता है, क्यों? जब वो मेरी शारीरिक इच्छाएं पूरी कर दे,
तथा मेरी भावना एक इच्छा है जो मेरे अंदर जो प्रेम की भावना है उसको पूरा कर दे, उसके लिए मुझे अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें कहे, मुझे सब अच्छा कहे, वो भी अच्छा कहे। इस तरह से जो है वह प्रेम नहीं। तो वो कहती है प्रेम क्या है, लव इज एम्ब्रेसिंग एवरीथिंग एंड एवरीवन विदाउट एनी अटैचमेंट्स टू द सेल्फ और ईगो। यह है अनकंडीशनल लव, इसमें कोई कंडीशंस नहीं डाली गई कि मुझे यह चाहिए। लव इज एम्ब्रेसिंग एवरीथिंग एंड एवरीवन, सभी के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए यह प्रेम उभर कर आता है। जैसे ही सभी व्यक्ति, जैसे ही इसी तरह से हम देखते हैं कई गुरु होते हैं जिनके पास जाकर यह महसूस करते हैं। तो लव इज एम्ब्रेसिंग एवरीथिंग एंड एवरीवन, सभी के तरफ देख के हमें प्रेम की भावना प्रकट करनी चाहिए, अंदर से प्रेम आना चाहिए विदाउट एनी अटैचमेंट, उसके तरफ कोई अटैचमेंट नहीं, क्योंकि यह मेरा बेटा है, मेरी बेटी है या मेरी पत्नी है, इसके लिए। यह भावना छोड़कर हर व्यक्ति के लिए प्रेम की भावना हमारी अंदर आनी चाहिए, रहनी चाहिए। फिर उसके लिए कोई अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए या हमारा ईगो अहम भाव नहीं होना चाहिए। मैं अहम भाव की भावना जैसे काफी कम हो जाएगी तब ही यह प्रेम जिसे हम अनकंडीशनल प्रेम कहते हैं यह व्यक्त कर सकेंगे, यह वहां रहेगा, मौजूद रहेगा। तो आगे करुणेश जी कहते हैं, ओ सो इज इट दैट हाउ द हार्ट इज लव डिफरेंट फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स। यस, माता जी कहती है हाँ, हार्ट इटसेल्फ इज ए लव, हार्ट इज करेज, हार्ट इज गिविंग। यहाँ हार्ट का मतलब अगेन वही है, हमारा चक्र सेंटर, द अनाथ चक्र, जिसमें है ये क्या है, अवर स्पिरिचुअल हार्ट इज द सेंटर, दैट अनाथ चक्र, ऑलवेज दैट हार्ट व्हेन वी शेयर, इट इज नॉट द फिजिकल हार्ट। हार्ट इज लव, हार्ट इज करेज, हार्ट इज गिविंग, देना। ये तीन चीजें हार्ट का मतलब, इसे बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि ये हम समझते हैं, कई बार प्रवचन में सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, कई जगह सुनते हैं, तो ऋषि का कंफर्मेशन दे रही है माता जी हमें। कि अगर कुछ भी आप किसी को दे रहे हो तो हम कहते हैं उसे हृदय से दो, प्रेम से दो, तो ये सही है, क्योंकि यहीं पर होता है वो देने की भावना, यहीं पर होती है और उसको हृदय से देना है। तथा किसी भी चीज को करने का जो करेज में होता है, धैर्य, धैर्य हम यहीं से पाते हैं। और वह धैर्य कहाँ से आता है, जब हमारे पास वह प्रेम की भावना मौजूद है तो हमें धैर्य आता है। तो प्रेम, धैर्य तथा देने की भावना, ये होता है हार्ट। इन तीनों से मिलकर हमारा ये अनाज चक्र सेंटर बना है हार्ट। तो थिंक ऑफ व्हेन यू स्टार्ट ऑन योर स्पिरिचुअल पाथ एंड रिमेन देयर, ऑल द टीचर्स विल आस्क यू ओपन योर हार्ट। जब भी हम किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास जाते हैं तो किसी ना किसी तरीके से हमारा यह अनाज चक्र खुलवाने की कोशिश करता है, या तो प्रवचन में बताकर या और उसके जो तरीके होते हैं उन तरीकों से, अलग अलग गुरु के अलग अलग तरीके होते हैं। हमें यहाँ सिर्फ इतना समझना है कि ये क्यों ये सारे गुरु हमें अपना अनाज चक्र खोलने की बात करते हैं, खोलने के लिए कहते हैं और उसके लिए हमें मदद भी करते हैं। यही वजह है। इट इज नॉट दैट वी डू नॉट वॉन्ट दी अदर चक्रास टू ओपन, इट इज दैट योर कनेक्शन विथ योर हार्ट नीड्स मोर अटेंशन।
माता जी कहती है इसका मतलब यह है कि आपका आपके अनाथ चक्र से कनेक्शन होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वह है तो अपने आप जुड़ जाएंगे सभी चक्रों से। सभी चक्रों को खुलना आवश्यक होता ही है, यानी निचले चक्रों, ऊपर के चक्र हमेशा खुले ही रहते हैं, तो अपने आप ये सब हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण ये चौथा चक्र है। वे कहती है फॉर एग्जाम्पल इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सरस्वती टू वर्क हियर इन द हार्ट चक्र बिकॉज शी इज द डिवाइन मदर। तो कहती है माता सरस्वती यह डिवाइन मदर है, माताओं की माता, देवियों की, देवताओं की माता। वह हमारे हृदय में आती और उसका वास यही रहता है, इस चक्र में होता है। तो कहते हैं हम उसको पूछ रहे हैं करुणेश जी, देन व्हाई डोंट ह्यूमंस पे अटेंशन टू द हार्ट। तो वो कहती है कि मानव इसके तरफ ज्यादा ध्यान क्यों नहीं देते। तो जवाब देती है मेनी ह्यूमंस सिंपली फॉरगेट अबाउट देयर हार्ट इवन दो दे वुड डिनाई दैट। अगर आप पूछो किसी से तो बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरु भी कहते हैं कि नहीं, मेरा ध्यान है उस तरफ, उनका होता ही। लेकिन जब हम कॉमन आदमी जो प्रेम की अपेक्षा करता है वो तो सीधा कहता है हाँ मुझे तो प्रेम चाहिए, तो मेरा तो ध्यान है। लेकिन वह उसको नर्चर नहीं करते, उसका संगोपन नहीं करते, उस भावना का, उस हृदय का। और इसीलिए उनका जो एक्सेस हार्ट की तरफ होता है, यानी उसका संबंध जो होता है वो टूट जाता है, कम रहता है हमारा संबंध अपने अनाथ चक्र के साथ। क्योंकि हम अपने मन के अंदर नीचे के चक्रों में जो हमारा मन होता है वहीं पर अटक जाते हैं। हमारा मन हमेशा सारे विचार ये निचले तीन चक्रों के बारे में ही होते हैं। जैसे भूख लगती है तीसरे चक्र में, कोई हमारी अपेक्षा होती है, बड़ा होने की अपेक्षा है तीसरे चक्र में। सारे कर्म तो ही इन तीन चक्रों में है अलग अलग तरीके, तो सारे विचार जो जीवन के है यहीं से आते हैं। तो इसलिए ये ऊपरी चक्र को हम भूल जाते हैं, वहां पर ध्यान ही नहीं देते। एंड सो वी आर स्टक अराउंड द लोअर थ्री चक्रास ऑल द टाइम थ्रू आउट द लाइफ। आगे कहती है इट इज विद द अनलॉकिंग ऑफ दीज चक्रास दैट वन रियलाइजेस देन द हार्ट चक्र इज ऑलवेज ओपन सिंस इट नेवर शट डाउन। जैसे ही हम ये निचले तीन चक्रों को खोलते हैं तो ऊपरी चक्र से जुड़ जाते हैं हृदय चक्र से, क्योंकि वो कभी बंद होता ही नहीं है, वो हमेशा खुला करता है। यह एक बहुत बड़ी बात हमें आज समझ में आई है। इसीलिए बड़े बड़े गुरु महात्मा और भगवान भी कहते हैं, गीता में भगवान कृष्ण भी कहता है मेरे पास आओ, मैं तो हमेशा आपको सब कुछ देने के लिए, मेरे पास आने के लिए खुला हूं, ओपन हूं। यू कम टू मी, आई लव यू। ये सभी भगवान कहते हैं, सभी गुरु कहते हैं, क्योंकि उनका हृदय चक्र हमेशा खुला है और वो हमारे अंदर है। तो हमारा हृदय चक्र हमेशा खुला है, इसका मतलब यह है कि हमारा अपना हृदय चक्र हमेशा खुला ही रहता है और यहीं पर वास करती है वही भावना जो प्रेम की है, धैर्य की है तथा देने की। ये तीनों चीजें बहुत महत्व रखती है हमारे जीवन में और उनका संगोपन करने में। और जैसे ही इसका संगोपन हम करते हैं तो धीरे धीरे हमें समझ में आने लगता है ये अपने निचले चक्रों को कैसे खोलना है, वहां से मन को कैसे निकालना है। लेकिन हम हमेशा रहते हैं प्रेम का अर्थ करते हैं मुझे चाहिए। क्या चाहिए? वी वॉन्ट द थिंग्स, आई वॉन्ट दिस थिंग, आई वॉन्ट लव, आई वॉन्ट सेक्सुअल रिलेशंस, आई वॉन्ट पावर, आई वॉन्ट फेम,
आई वॉन्ट दिस दैट ऑल दिस थिंग वॉन्टिंग, यह आता है हमारे दूसरे चक्र से और उसी में हम रहते हैं। ये वॉन्ट्स में चाहिए, जरूरतें, हर चीज की, हर बात की जरूरत जितनी भी है तो कम पड़ती है, और चाहिए और चाहिए, और यही इसी के प्यार में हम डूब जाते हैं, चाहत में रहते हैं हमेशा, जरूरतों को पूरा करने में रहते हैं और वो जरूरतें कभी कम होती ही नहीं, और इसीलिए हम ध्यान नहीं देते अपने ही अनाहत चक्र पर। अब हम आज के लिए यही रुकते हैं, इसका अगला भाग जो है उसकी चर्चा कल करेंगे। अब ध्यान करते हैं, सभी ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं, स्थिर आसन में, सुखासन में। चश्मे निकाल लें, अगर जमीन पर बैठे हैं तो सीधी पालथी मार कर बैठे, दोनों हाथों की उंगलियां फंसा लें, उंगलियों में उंगलियां फंसा लें, आंखें बंद करें और सांसों की तरफ ध्यान दें। नासिका के अंदर से आने वाली तथा जाने वाली नैसर्गिक रीत्या चलने वाली सांसों की तरफ ध्यान देना है। कोई भी मंत्र नहीं कहना है, किसी भी गुरु की या भगवान की मूर्ति आंखों के सामने नहीं लाना है, क्योंकि वह भी एक विचार है और हमें विचारों से दूर जाना है, और इसीलिए सांसों की तरफ ध्यान। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है, सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। निरंतर चलने वाली ये सांसें, अपने आप चलने वाली ये सांसें, इन सांसों की तरफ ध्यान देते हैं, और कोई भी विचार आता है उसे आने दे और जाने दे, और तुरंत ध्यान दे अपनी सांसों की तरफ, बस और कुछ भी नहीं करना है। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। सांसों का आवागमन निरंतर चलते रहता है। हमें जीवित रखने के लिए, हमारी शुद्धि करने के लिए, इसीलिए संपूर्ण कृतज्ञता के साथ इन सांसों की तरफ ध्यान देना है और कुछ भी नहीं करना है। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। निरंतर चलने वाली ये सांस, इन सांसों की तरफ ध्यान देते हैं और कुछ भी नहीं करना है। कोई भी विचार आता है उसे आने दें और जाने दे, और तुरंत ध्यान दे अपनी सांसों की तरफ, बस और कुछ भी नहीं करना। फिर आसन में, सुखासन में बैठे और अपनी सांसों के साथ एक हो। धीरे धीरे विचार कम कम, और जैसे विचार कम होते जाएंगे
हमारा मन खाली होते जाएगा और हमारा ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा जो है सुषुम्ना नाड़ी का ओपन। जैसे ही वह खुल जाता है बाहर से विश्व शक्ति का प्रवेश होता है पूरे शरीर और शुरू हो जाती है नाड़ी शुद्धि, पूरे शरीर की शुद्धि। इसीलिए प्रवेश होता है इस विश्व शक्ति का ब्रह्मरंध्र से होकर हमारे शरीर के अंदर। यही है ध्यान की क्रिया का फल, ध्यान शुरू करते ही मिलने लगता है, शुरुआत हो जाती है ऊर्जा के शरीर के अंदर आने की और धीरे धीरे शरीर के सभी अवयवों में जाती, शरीर के सभी सेल्स में जाती और जुड़ जाते हैं पूर्णतः इस शरीर के साथ। यह ऊर्जा का एक और शरीर में जहां कहीं कोई भी ब्लॉक, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी दर्द हो, कोई भी जलन हो, कोई भी किसी भी तरह की तकलीफ, दुख, दर्द या ब्लॉक्स या कोई भी रोग, उसे ठीक कर देती है यह विश्व शक्ति अपने आप। क्योंकि हमारा शरीर बना है इसी तरह से, इसमें वही क्षमता है कि हमारा शरीर अपने आप को ठीक करे और उसी क्षमता को ध्यान में यह ऊर्जा बढ़ावा देती है, शरीर की मदद करती है और इसी को कहते हैं नाड़ी शुद्धि, जिसे हम कहते हैं हीलिंग। यही है सेल्फ हीलिंग, शरीर का अपने आप को ठीक करना, इसी का नाम है सेल्फ हीलिंग और उसी को मदद करती है यह विश्व शक्ति। इसीलिए जब हम ध्यान में जाते हैं तो इसका ज्यादा उपयोग होता है और सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए इस ध्यान को कहते हैं सर्व रोग निवारिणी ध्यान। भूल जाइए उन रोगों के नामों को, जो भी डॉक्टर ने कहा है उस डर को निकाल दो, इस बात पर विश्वास रखो कि चाहे कोई भी तकलीफ हो, कोई भी रोग, जब वह शरीर पर आता है तो उसे निकालने की क्षमता भी शरीर ही रखता है। हमारे शरीर में नैसर्गिक कृत्या उस क्षमता को भरा हुआ है और हम ध्यान में जाकर इस क्षमता को बढ़ाते हैं, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाते हैं, हमारे शरीर में इम्यूनोग्लोबुलिन बढ़ते जाता है और हम मुक्ति पाते हैं सभी तरह के रोगों से, सभी तकलीफों से। सिर्फ सांसों की तरफ ध्यान देते और कुछ भी नहीं करना। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है।
सांसों के साथ और विचारों से दूर और कुछ भी नहीं करना। एक हो जाए अपने आप अपनी ही सांसों के साथ, मैं ही सांस हूं, मैं ही तो सांस हूं, संपूर्णतः एक होना सांसों के साथ। सांसों में छिपी हुई प्राण ऊर्जा के साथ, हो सकता है इस समय बहुत सारे विचार आते रहे तो कोई बात नहीं, किसी भी तरह के विचार हो, कितने भी विचार आते हो, वही है मन की शुद्धि यानी विचारों की शुद्धि, तभी अनचाहे विचारों से मुक्ति, तभी अनचाही आदतों से। हमें यह आदत होती है कि ज्यादा से ज्यादा जो घटना घट गई उसके विचार हमें करते रहते हैं, उसी में डूब जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कौन सा विचार कर रहे हैं, इतनी डूब जाते हैं उन विचारों में, बहुत दर्द भरे होते हैं, दुख भरे होते हैं, तकलीफ वाले होते हैं, उन्हीं विचारों में रहते हैं और फिर वही बन जाती है आदत जिसे कहते हैं चिंता। उन सभी चिंताओं से मुक्त होना है और इसी के लिए अपनी सांसों की तरफ ध्यान देते रहे तो धीरे धीरे वे सारे विचार कम कम और इसी तरह मुक्ति मिलेगी उन दुख भरे विचारों से, दर्द भरे विचारों से। और इसीलिए इस ध्यान को कहते हैं सर्व दुख हारिणी ध्यान। और इसीलिए यह ध्यान बन जाता है सर्व सुखकारिणी ध्यान। लगे रहे इन सांसों के साथ, और विचारों से और कुछ भी नहीं करना है। सांस अंदर आ रही, सांस बाहर जा, सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही, अपने आप चलने वाली ये सांसें, निरंतर चलने वाली ये सांसें, इन सांसों की तरफ ध्यान देते रहे और कुछ भी नहीं करना है। सांसों के साथ और विचारों से भी तो धीरे धीरे हम जुड़ने लगते हैं अपनी आत्मा के साथ। और हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी और कम कम होती जाती,
और पूर्णता हमारे शरीर मन तथा आत्मा का मिलन होता है, एक हो रहे हैं। हमारा शरीर मन तथा आत्मा एक हो गया है, नाउ यू आर वन विद योर सोल, और फिर महसूस कर रहे हैं वह शांति जिसकी तलाश हर समय, जिस शांति को हम ढूंढ रहे थे बार बार इधर उधर घूमते थे शांति की तलाश, वो तो मेरे ही पास है, मेरे ही अंदर है शांति। कितनी शांति है महसूस कर, यही है असली मनशांति, यही है असली आत्म शांति, इसी में डूबे रहे, इसी का अनुभव करते रहे, जिसकी चाहत उसी शांति में, उसी मन शांति डूब जाए पूरी तरह। तो धीरे धीरे महसूस करेंगे आनंद को, यही है आत्मानंद। महसूस करें इस आनंद को, इस आत्मानंद को, पूरी तरह डूब जाए इस आत्मानंद में, इसी आत्म शांति। और कुछ भी नहीं करना है, इसी आत्मानंद को महसूस करते कर अब हम जुड़ रहे हैं उस निसर्ग के साथ। घरों में बैठ कर की, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी जुड़ गई है निसर्ग की फ्रीक्वेंसी के साथ, और उसी आनंद को महसूस कर रहे हैं जो निसर्ग में जाकर मिलता है। तब तब तो जब हरियाली देखते हैं तो जो आनंद मिलता है, जो शांति मिलती है, वही हम महसूस कर रहे हैं घर में बैठकर ध्यान में। और इसी तरह पूरे जुड़े रहे उस निसर्ग के साथ, एक हो रहे हैं हम निसर्ग के साथ। हम भी तो निसर्ग का ही एक भाग है, इसीलिए बड़ी आसानी से जुड़ जाते हैं निसर्ग के साथ। इसी आनंद में डूबे रहना है, इसी शांति को महसूस करते रहना।
सांसों के साथ और विचारों से, बस और कुछ भी नहीं करता। यह सारी शांति आनंद महसूस कर रहे हैं हम हमारे ही अंदर, हमारे अनाथ चक्र के अंदर, और इसीलिए पूरे शरीर में धीरे धीरे फैलते जाता है यह आनंद ऊर्जा के। यही आनंद देता है ऊर्जा। यही आनंद देता है हमें धैर्य। इसीलिए ध्यान कर इस आनंद को महसूस करने के, इस आनंद को पाने के लिए, और उसी के साथ साथ धैर्य को पाने के लिए पूरी तरह एक हो गए हम नसर के साथ, और अब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं उस ब्रह्मांड के साथ। धीरे धीरे महसूस करें उस ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड में फैली हुई उस शांति को, ब्रह्मांड में फैले हुए उस प्रेम की शक्ति, उस आनंद को जो है ब्रह्मानंद। महसूस करें उस ब्रह्मानंद को और जुड़े रहे उस ब्रह्मांड से। पूरी तरह महसूस करे इस ब्रह्मानंद और डूब जाए इस ब्रह्मानंद में, एक हो जाए ब्रह्मांड के साथ। जैसे ही हम एक हो जाते हैं इस ब्रह्मांड के साथ, तो महसूस करने लगते हैं ये ब्रह्मांड तो मेरे ही अंदर है, और अंदर से ही एक आवाज गूंज रही है, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि।
अहम ब्रह्मा मेरे ही अनाहत चक्र से गूंज रही है यह आवाज, मेरे ही अंदर तो है सारा ब्रह्मांड, मैं ही ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म, मैं ही तो ब्रह्म हूं, इसी तरह डूबे रहे इस ब्रह्मानंद में, ब्रह्म बन कर रहे, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मा मेरे पूरी तरह डूबे रहे इस ब्रह्मानंद में, पूरा ब्रह्मांड मेरे ही अंदर, मेरे ही पास है वह प्रेम, मेरे ही अंदर है वह प्रेम, और वही है भगवान, प्रेम स्वरूप है भगवान ब्रह्म, सब कुछ है प्रेम स्वरूप जो मेरे ही अंदर है, इसलिए मेरे अंदर से ही यह गूंज आ रही है। इसी के साथ एक होकर रहना है, अहम ब्रह्मास्मि मैं ही मैं ही तो ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि
अहम ब्रह्मास्मि अहम् ब्रह्मास्मि अहम् ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूँ मैं ही तो ब्रह्म हूँ मैं ही ब्रह्म पूरी तरह डूब गए हैं हम उस ब्रह्मानंद में ब्रह्म बन गए हैं हम ब्रह्म है मैं ब्रह्म हूँ इसीलिए यह गूंज मेरे ही अंदर से आ रही है अहम ब्रह्मास्मि अहम् ब्रह्मास्मि अहम् ब्रह्मास्मि मेरे ही अंदर है पूरा ब्रह्मांड मैं ही ब्रह्म हूँ अहम् ब्रह्मास्मि अहम् ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म मैं ही तो ब्रह्म
अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम् ब्रह्मास्मि, अहम् ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही तो ब्रह्म हूँ, अहम् ब्रह्मास्मि, अहम् ब्रह्मास्मि, अहम् ब्रह्मास्मि, अहम् ब्रह्मास्मि, आखिरी 2 मिनट ब्रह्मास्मि।
अहम ब्रह्मास्मि। आखिरी एक मिनट। अहम ब्रह्मास्मि। थर्टी सेकंड्स। ट्वेंटी। टेन। नाइन। एट। सेवन। सिक्स। फाइव। फोर। थ्री। टू। वन। जी। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ दोनों आंखों पर रखें पांच सेकंड के लिए और धीरे धीरे आंखें खोलें। बहुत ही आराम से आंखें खोलना है। वेरी वेरी स्लोली टेक योर टाइम। फाइव। फोर। थ्री। टू। वन। जीरो। बहुत आराम से बाहर निकलना है। जब हम ध्यान में होते हैं तो इस टाइम और स्पेस के बाहर होते हमारी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। इसलिए बहुत ही धीरे धीरे आंखें खोलना है। एक ग्लास पानी पी ले। और एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे अपने आप के लिए। क्लैप फॉर योरसेल्फ। कोई शेयर करना चाहेगा अपना अनुभव? हाउ आर यू फीलिंग? हाँ जी, मैं बोलना चाहूंगा। आज का ध्यान जो है सर, मैंने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके किया। आपका बड़ा अच्छा अनुभव हुआ और बड़ा ध्यान अच्छा लगा। और आपने हृदय चक्र के बारे में भी काफी क्लेरिफिकेशन दिए जो ऐसे पहले से मालूम नहीं थे, तो उससे भी मतलब आगे समझने में बड़ा सहायता मिलेगी और बड़ा आनंद रहा। कुल मिलाकर के विद्वतापूर्ण आपका ज्ञान और उसके बाद में ध्यान, अद्भुत संगम है। सबको आनंद आया, मेरे को तो बहुत आनंद आया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू महेश जी फॉर शेयरिंग दिस ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू। आपके पास अगर ऐसा बगीचा पेड़ मिल है अवेलेबल तो जरूर वहीं पर ध्यान करना। हाँ नहीं, मैंने कल तो उसके अपने वो जो तीन एमपी थिएटर में किया था जहाँ बड़े वृक्ष थे, आज ये देखो ना मेरे यहाँ ये वृक्ष हैं, ये पीपल के झाड़ हैं।
इसके सामने बैठने की अलग जगह, ये छोटा सा है, इसमें 5-7 लोग बैठ सकते हैं, उसकी बेंच लगी हुई है। तो यह मैंने वो सोचा पीपल के पेड़ के नीचे करके देखते हैं क्या अनुभव होता है। तो आपने निसर्ग का जो बीच में कहा था तब वो मैं वॉक करते हुए सुन रहा था, तो फिर मैं निसर्ग में बोला पीपल के पेड़ का अनुभव करते, तो अद्भुत है। जो भी संयोग है वो अद्भुत है, समय है, संयोग है, जैसा भी है, पर कुल मिलाकर के अद्भुत आनंद प्राप्त हो रहा है। सर थैंक यू सो मच। सर सर पंसी मेहता आपसे बात करना चाहती है। महेश जी, पंसी जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते सर, आपका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप पत्री जी को आप बोलते हैं आप ध्यान करवाइए, ध्यान ज्यादा से ज्यादा करवाइए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों से आपको बोलना था उसके लिए। अच्छा आपको अच्छा लगता है? हाँ सर, हाँ सर, उनके से ज्यादा ध्यान करना उनसे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ज्यादा करवाते हैं तो हाँ बिल्कुल, आज भी करवाएंगे ध्यान। हाँ सर, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। सरिता के फोन से ही बात कर रहा। तकरीबन कोई 5:30-6 बजे मुझे लेफ्ट साइड लेवल के पास बहुत सीवियर पेन होना शुरू हो गया, और उसके बाद मेरी ये कंडीशन हो गई कि मैं जाके दूसरे रूम में जाके किसी को अलाउड नहीं, इतना सीवियर पेन था। और सरिता जी आपका सुन रही थी, उन्होंने मुझे बोला उठो और आप ध्यान करो। मैंने बोला मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, फिर भी मैं सोफा पे बैठ के मैंने मेडिटेट किया और अभी मेरी कंडीशन है कि मैं 99.99% ठीक हो गया। उसी जगह मैंने कंसंट्रेट किया और जैसे जैसे आपने किया अभी मैं मुझे ये थॉट आ रहा था मुश्किल हो जाएगी, तो अब जैसे शुरू की हुई थी तब किया, बट अभी मैं 99.99% हूं। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी गुड शर्मा जी। यस ये सब ध्यान का कमाल है शर्मा जी, जो हमारे पत्री जी सिखाते हैं। तो आप जरूर जरूर पत्री जी के सेशन में आइए 5 बजे। पत्री जी से शेयर करें इस अनुभव को तो ये पक्का हो जाएगा। जरूर आइए शाम को 5 बजे, पत्री जी से बात करें, उनको अनुभव सुनाइए और हर रोज अब ध्यान करते जाइए, बढ़ाइए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा अनुभव शर्मा जी आपका, और सरिता जी के साथ भी आप दोनों ध्यान करते हो, बहुत अच्छी बात, कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कला जी। आप कला जी को अनम्यूट कर रही हूं। कला जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बोलिए कला जी। सर वो एक सेकंड। हेलो हेलो। हां जी बोलिए। सर धन्यवाद पूरी टीम को, आपको, और जो नॉलेज है आपने आज दिया उसमें एक दो चीजें मेरे क्वेश्चन बन रही है कि जो ध्यान करते समय या फिर अपन जो अनाहत चक्र के लिए अपन घास के ऊपर चलते हैं वो मुझे थोड़ा हजम नहीं हो रही है, क्योंकि है ना इसमें बहुत जीव होते हैं, जीव तो इस पे चलना नामुमकिन है।
में, हालांकि मेरे आसपास गार्डन है जो भी है उसमें है, लेकिन उसका हम लोग यूज नहीं करते हैं, कारण कि अनंत जीव माने जाते हैं इसलिए। तो आपकी जो भी हो, हम वही बता रहे थे जो डायरेक्टली बताया है माता लक्ष्मी जी ने करुणेश जी को। अच्छा, वही ज्ञान हम बता रहे हैं। ये जो मन के विचार होते हैं, समझ होती है, हमारी बिलीफ सिस्टम होती है, वो मन से आती है, ये हमारे निचले चक्रों से ही आती है। जैसे ही हम शरीर पाते हैं ये सारी चीजें आती है, और पिछले कर्मों से आती है। कुछ कर्म ऐसे होंगे जिसकी वजह से वही बात हमारे मन में पक्की बैठ जाती है और हम उसे निकाल नहीं पाते, और उसी कर्मों से मुक्ति पाने के लिए ही हम ध्यान करते हैं। तो कहीं भी हम चल रहे हो, हमारे शरीर के अंदर भी कई तरह के जीवाणु होते हैं, जितने बहुत हजारों होते हैं। जीवन और जीवन जीव सब तरफ जीव है ही, पेड़ों में है, जमीन पर है, स्वयं भूमाता उसमें भी तो जीव है ही, जिस पर हम खड़े हैं, जिस पर हम बैठते हैं, सब तरफ है जीव। तो जो भी हो, धीरे धीरे आप ध्यान करते रहिए, और अगर जहां भी समय होता है, जहां भी आपको लगता है यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई जीवाणु नहीं होंगे, वहां पर चलिए। लेकिन धरती से अपना संबंध रखना आवश्यक है, मिट्टी के साथ संबंध रखना आवश्यक है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच कला जी। सर, संध्या शर्मा जी आपसे बात करना चाहती है। संध्या जी, अपने आपको अनम्यूट कीजिए। बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। बहुत अच्छा सेशन हुआ सर, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। चक्रों के बारे में ज्ञान तो बहुत ही अच्छा मिल रहा है सर, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, पर ध्यान भी बहुत अच्छा हुआ सर। हर जैसे सांस के साथ में जो आप बोल रहे थे, हम ब्रह्मास्मि, सांस के साथ में हर इसमें एक प्रकाश की ऐसी लहर आ रही थी, जैसे खिड़की वगैरह में से ऐसे पर्दा हले तो सूरज की किरणें कैसे आती है प्रकाश लेकर, वैसे हर सांस में ऐसे आ रही थी जा रही थी हर बार। मुझे ऐसे मुझे एक दो दफा ऐसा मन हुआ कि आंखें खोल के देखू कि क्या पर्दा हल्का और दरवाजे में से प्रकाश वगैरह आ रहा क्या, पर मेरा मन नहीं हुआ। फिर पूरी ये साथ ध्यान होने के बाद में जब मैंने देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छा अनुभव था। थैंक यू सर। वेरी गुड, वेरी गुड, आपको प्रकाश का अनुभव हो गया, बहुत अच्छी बात। और हाथ में भी ऐसे कि जैसे अब आपने बोला कि अब ये हाथों पे, तो हाथ पे दोनों हाथों पे भी ऐसा लग रहा था कि दोनों ऐसे भारी भारी पूरी ऊर्जा ऐसे हाथों में है बहुत सारी, तो खोलने का ऐसे खोलने का उठाने का मन नहीं हो रहा था। बहुत अच्छा अनुभव, थैंक यू सर। थैंक यू, वेरी गुड, बहुत अच्छा ध्यान हुआ आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू संध्या जी। थैंक यू सो मच संध्या जी, थैंक यू सो मच सर। सर ओके सर, हमारे जो मैसेजेस है वो सबको, मतलब हम सबको अपने अपने दोस्तों और दो लोगों के हाथ ऊपर दिख रहे थे सर। एक मिनट सर। सर किसके हैं ये? संध्या जी का लोअर हैंड। ओके, सुधा जी, सुधा जी, सुधा जी आपसे बात करना चाहते हैं। सुधा जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते, नमस्ते सुधा जी। यस सर, मुझे आपसे आज एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी। जब भी मन बहुत परेशान रहता है, बहुत ज्यादा परेशान रहता है, तो हम मेडिटेशन में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो कैसा करना चाहिए ऐसे टाइम पर? इस बात को मन में रखना ही नहीं कि मेरा मन परेशान है, उस परेशानी को निकालने के लिए हम ध्यान कर रहे हैं, इस बात पर ध्यान देना है और बैठना ही है। कभी ऐसी हो पाती है सिचुएशन ऐसे, तो जैसे ही अपन बैठे मेडिटेशन को,
तो वही वही चीज बार बार याद आती है, तो ऐसे समय पे कैसा करना है? वही तो वजह है जिसके लिए ध्यान करना है, तो शुरू तो करना ही है, आप ध्यान की स्थिति में बैठ जाना है पूरे विश्वास के साथ, यही तो मन करता है, यही है मन की स्थिति, वही है, वो होने नहीं देगा आपका ध्यान, इसीलिए वो ऐसे विचार लाते रहता है। तो उसके लिए अपन धीरे धीरे शांत होते हैं। अगर आपको हमेशा 2 मिनट में या 5 मिनट में ध्यान लगता होगा तो हो सकता है इस समय 15 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, कोई बात नहीं, उसकी चिंता नहीं करना। ओके, ये हमारा दृढ़ निश्चय है कि हमें तो ध्यान करना ही है और यही मन नहीं चाहता है, और उसे से शांति मिल जाएगी 100% बिल्कुल, और वही शांति, शांति तो आपको मिलने नहीं देता है मन, इसीलिए वो परिस्थिति होती है, तो इसके लिए तो करना ही है। थैंक यू सर, बिल्कुल, हाँ जी, हाँ सुधा, ओके, थैंक यू सुधा जी, बिल्कुल ध्यान करते रहना है, कोई चिंता नहीं करना कितने भी विचार आने को, वही तो है मन की शुद्धि, इसीलिए करना है, ठीक है? यस यस सर, थैंक यू सो मच सर। सर सबने आपको बहुत सारा थैंक यू बोला है और उनको आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा लगता है सर। सर वो इवनिंग में हाँ पत्री सर के साथ सबको अपने एक्सपीरियंस शेयर करना है तो प्लीज वो मैसेज दीजिए। जी हाँ, थैंक यू एवरीबॉडी, वर्षा जी का कुछ मैसेज है सर? यस सर, क्या है? काल रात्री 11 सेशन संपलं और मला खूप छान वाटलं, पण झोप येत नव्हती म्हणून मी बाल्कनीत जाऊन जी छोटी झाड कुंडीत लावले तिथे बसून ध्यान केलं, एक तास खूपच छान मस्त वाटलं। वो बोल रहे सर 11 बजे के बाद उनको बहुत अच्छा लगा लेकिन नींद नहीं आ रही थी, फिर वो बालकनी में जाके वो उनके पास छोटे छोटे प्लांट्स है उसके पास बैठ के उन्होंने 1 घंटा ध्यान किया और उनको बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच बोला है उन्होंने। वेरी गुड, इसी तरह से किसी ना किसी तरह से नेचर के पास चले जाते हैं, बहुत अच्छा ध्यान होता है, वेरी गुड। यस सर, थैंक यू से बात करना चाहती है मनीनी गोर से। हां बोलिए मनीनी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार माननी जी, बोलिए। एक्चुअली आप मेडिटेशन जब भी करवाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है ये। आज का मेरा अनुभव ये है, आपने जो ज्ञान दिया है कि अनकंडीशनल लव, ये आज आपने प्रूव करके दिखा दिया है, जैसे कि एक ये मैंने अनुभव किया है कि ये प्रूव हो गया है कि अनकंडीशनल लव कैसे होता है। वो मैं सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि अभी आपका नेट का प्रॉब्लम हो गया था तभी यमुना जी ने फट से नहीं, पहले महेश अग्रवाल जी ने बोला यमुना जी आप सबको कंटिन्यू कर दो, उनका जब कनेक्शन हो जाएगा तभी वो बात करेंगे, तब तक आप कंटिन्यू करो। तब तक महेश तलेकर जी आए और उन्होंने कंटिन्यू किया। अभी सबका हमारे प्रति जो अनकंडीशनल लव है वो हमें महसूस हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये अनकंडीशनल लव ही तो है कि किसी का क्षण वेस्ट ना जाए, उनका जो हम जो ध्यान बांट रहे हैं, ये आपने जो ये लिया है पीसीएम मुंबई का, मुंबई ने जो लिया है कि हम ज्ञान भी देंगे और ध्यान भी लेंगे करके, तो अभी नेटवर्क इशू आ गया तो रुकना नहीं है, कोई ना कोई तो ज्ञान बांटता ही रहेगा, ये अनकंडीशनल लव तो ही है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं। आपने अभी बहुत सारे गाने और डायलॉग्स भी बोले जब भी आप ज्ञान दे रहे थे तभी आपने बोला, तो मैं भी बोलना चाहूंगी क्या यही प्यार है, तो हाँ यही प्यार है। यस यस, यही प्यार है डियर। परिवार की तरह है, थैंक यू सो मच, आपने इतना बड़ा एक्सपीरियंस शेयर किया। और सुबह सच में जब सर का नेटवर्क चला गया था और वो चक्रास पे बात कर रहे थे तो चक्रास पे महेश जी ने ताबड़तोड़ मतलब उसके उसको वो अनुरूप वो सब्जेक्ट को अनुरूप उन्होंने कंटिन्यू किया, तो बहुत अच्छा था वो। ये भी प्रूव हो गया कि हम एक फैमिली है, कैसे एक दूसरे को संभाल रहे हैं, ये भी प्रूव हो गया और ये भी प्रूव हो गया, मतलब सब यही हो गया कि अभी ये महेश अग्रवाल जी पेड़ के नीचे
बैठ के सब सुन रहे हैं, फिर भी उनको ये है कि नहीं अभी रुकना नहीं है, आगे चलो, उनका नेटवर्क चालू होता है तो आपको बोला कि नहीं करो करके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यस अभी रुकना नहीं है, थैंक यू सो मच। रुकना ही नहीं है बिल्कुल, ये पत्री जी का मिशन है, ये पत्री जी का संदेश है कि किसी के लिए रुकना नहीं है, हम सब एक है, हम वी आर वन। थैंक यू सो मच माननीय जी, थैंक यू सो मच। यस थैंक यू सर। वर्षा केलकर जी, थैंक यू सो मच। वर्षा केलकर जी आपसे बात करना चाहती हूँ। जी हाँ बोलिए। हेलो बोलिए वर्षा जी। वर्षा जी अपने आपको अनम्यूट कीजिए। बोलिए वर्षा जी। हेलो वर्षा जी आपको आवाज आ रही है? वर्षा जी सर ठीक है, जब तक वर्षा जी अपने यमुना जी हमें उन्होंने जो नंबर दिया था उनकी वो अभी तक, तो उनसे वो जरा नंबर लेना बाद में, या उन्होंने फिर डाला था क्या इस पर दो तीन दिन पहले? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कलेक्ट करती हूँ सर वो ग्रुप चैट। ठीक है सर। ओके, अभी और क्या इवनिंग के लिए आपका मैसेज? जी हाँ, सभी को नम्र विनंती है, आग्रह का आमंत्रण है कि आप सभी को शाम को 5 बजे पत्री जी के दर्शन करने के लिए, पत्री जी से बात करके ब्रीफ में अपना अनुभव सुनाने के लिए जरूर जरूर आइए। यह आपको आमंत्रण हम बार बार दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको बहुत ही अच्छा अनुभव मिलेगा। जैसे ही आप अपना अंतरी जी के साथ, तो वह अच्छी बात आपकी पक्की हो जाएगी, फिर कोई तकलीफ नहीं रहेगी। और यही इसीलिए हम कहते हैं बार बार कि जितनी ज्यादा बार आप अपने अनुभव को शेयर करेंगे और वो भी पत्री जी के साथ, तो बहुत अच्छा हो जाता है। और यह मेरा भी अनुभव है, जैसे मेरा यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस ठीक हो गया, तो उसके बाद मुझे पत्री जी ने यही कहा कि आप इसे शेयर करो जितनी ज्यादा बार जितनी ज्यादा सेल। अब इसको 12 साल हो गए, इसमें मैंने कई हजारों लोगों को ध्यान सिखाया होगा। जब भी पत्री जी के साथ ध्यान सिखाते हैं, वो पत्री जी मुझे कहते हैं कि अपने अनुभव शेयर करो, तो फिर हर बार मैं वही अनुभव शेयर करता हूँ। किसी को लगता होगा क्या बार बार वही बात बता रहा, लेकिन वही बात है। लेकिन जब भी मैं उसे बताता हूँ, उसी उत्साह से बताता हूँ, मेरे अंदर वही अच्छी आनंद की भावना आती है। और उसके बाद कभी भी मुझे एक बार भी यह दर्द वापस नहीं आया। इसी तरह से ये पूरी तरह चला गया है, ये भावना पक्की हो जाती है और शरीर में ही यही भावना यह विचार चले जाते हैं और हमारा शरीर भी उसी तरह से सुदृढ़ रहता है, मन भी सुदृढ़ रहता है और सभी तकलीफों से मुक्ति पक्की हो जाती है। इसलिए जरूर जरूर जितना ज्यादा बार आप उसी अनुभव को भले सुनाते रहे तो कोई बात नहीं, नया अनुभव है तो उसे सुनाइए, लेकिन अनुभव को सुनाना बहुत बहुत आवश्यक है। और वह भी पत्नी जी को सुना बहुत ही ज्यादा आवश्यक। तो फिर एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जरूर जरूर शाम को 5 बजे पत्नी जी के मीटिंग में आइए और अपना अनुभव सुनाइए। थैंक यू। लाल पंजाबी सर को अनम्यूट करें। यस सर, यस। बोलिए पंजाबी सर। नमस्ते पंजाबी सर, बोलिए। सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते जी। सर मैं मेडिटेशन करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपका जो है, मैं डेली करता हूँ। मैं मॉर्निंग को ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, मोस्टली 4-5 बजे उठता हूँ। और ये
अभी जैसा आपका मेडिटेशन होता है, मैं करते करते फिर मुझे ऐसा मेडिटेशन आधा करने के बाद ऐसा विचार आता कि मैं सो जाऊं उसमें, तो कभी कभी मैं सो जाता हूं, तो ये ठीक ऐसा ठीक है कि नहीं ऐसा? कोई बात नहीं, शरीर को जो आवश्यकता होती है उसी हिसाब से करना है हमें। अच्छा, निसर्ग के नियमों के साथ, जो शरीर के नियमों के साथ, जिस समय उसको नींद की आवश्यकता है तो सो जाइए, वो तो योग निद्रा हो जाती है, ध्यान करते करते सो जाना कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे जैसी शरीर के आवश्यकता कम हो जाती है नींद की, तो आप बिना नींद के ध्यान करने लगेंगे, तो ये बदलते रहता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, तो नींद आती है तो नींद ले ले, कोई चिंता नहीं करना उसकी, वो ध्यान चलता रहता है नींद में भी आपका। हाँ, वही तो मतलब करते करते आधा ध्यान के बाद फिर ऐसा योग निद्रा का मतलब वही है। हाँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, या और ध्यान बढ़ाना है आपको तो फिर ये नींद की आवश्यकता अपने आप कम हो जाएगी। हाँ, ध्यान का समय दिन में ज्यादा बार करे थोड़ा थोड़ा, कितना ध्यान करते हैं आप? कितने घंटे करते हैं? मतलब मैं मॉर्निंग उठ के ही मेडिटेशन वगैरह में बैठ जाता हूँ, मतलब जल्दी मॉर्निंग में मेडिटेशन करता हूँ, एफर्मेशंस करता हूँ और ऐसा करता हूँ, फिर मतलब आज भी मैं उठा था 5 बजे, फिर ये करने के बाद थोड़ा फ्रेश होके फिर आपका मेडिटेशन में बैठ गया, तो फिर करते करते समझो आधे घंटे के बाद ऐसा आता है कि भाई मैं सो जाऊँ, शायद हो सकता है मेरा नींद पूरा नहीं हुआ, शायद इसके लिए भी हो सकता है, मतलब ऐसा होता है। हाँ, तो दिन में भी ध्यान कर लेना, कभी खाने के पहले कर सकते हो, खाने के तुरंत बाद कर सकते हो, ऑफिस में, घर में, ट्रैवलिंग करते समय, जब भी समय मिलेगा ध्यान बढ़ाते जाइए, तो फिर आपकी नींद की आवश्यकता कम होती जाएगी, और फिर आप ध्यान करते जाएंगे, समय ही समय मिलेगा फिर आपको। इसका मतलब इतना ही है कि आपको ध्यान को बढ़ाना है, नींद को नहीं बढ़ाना है, नींद को कम करना है और ध्यान को बढ़ाना है। तो जब नींद आती है ध्यान में, इसका मतलब आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, और इसका दूसरा मतलब यही है कि आपको ज्यादा ध्यान की आवश्यकता है, जो आपकी इच्छा है लेकिन आप करना है अभी आपको, जब भी ज्यादा समय मिलेगा, थोड़ा भी 10 मिनट भी मिलते हैं, ध्यान कर लीजिए। सर, और एक चीज पूछनी है, समझो अभी कभी कभी कुछ इंस्टेंस होने वाला है, कुछ चीज का मुझे ऐसा थोड़ा डर लगता है अंदर, मतलब कुछ चीज होने वाली है, मतलब उसका ये लगता है, तो उसको डर पड़ा ना, मुझे हार्ट चक्र पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, वो बेटर रहेगा ना, जो डर का होता है वो हार्ट चक्र पे ज्यादा होता है ना, मतलब हार्ट में? नहीं नहीं, उधर वो हमारे मणिपुर चक्र में होता है। अच्छा, लेकिन आपको वहां पर फीलिंग हो रही होगी, लेकिन उसका आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इसका यही अभी जो मैंने बताया, आपको ध्यान बढ़ाना है। अच्छा, हाँ। फिर अपने आप ये कम होते जाएगा, आपको 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितना ज्यादा समय आप ध्यान को देंगे, उतना ये सब डर भी सब निकल जाएगा, ये यही बता रहा है कि आपका ध्यान का समय जो है 24 घंटे है आपके पास, ज्यादा कर सकते हैं। पर पर्टिकुलर ध्यान करिए बस, किधर कुछ ऐसी जगह पे ध्यान करने जिससे थोड़ा डर कम हो जो अंदर में लग रहा है? नेचर में अगर कर सकते तो अच्छा है, अदरवाइज घर पे बैठ कर ही करे तो कोई बात नहीं, पिरामिड हो तो पिरामिड के नीचे बैठे, पिरामिड की कैप पहनकर बैठे, पिरामिड का पानी पीजिए, पिरामिड का सब काम जो है उसको करना है, और पिरामिड के साथ में ध्यान करते है, पिरामिड कैप पहन कर तो और ज्यादा ध्यान जाती है। ध्यान का समय आपको बढ़ाना, यही आपकी शरीर बता रहा है आपको, आपका मन भी बता रहा है आपको, जितना ध्यान आप कर रहे हो उससे ज्यादा आवश्यक है आपके लिए, बस और कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारा डर निकल जाएगा। किधर कुछ ऐसा पर्टिकुलर जगह पे मतलब फोकस करूं ध्यान करते समय, ऐसा कुछ नहीं? नहीं नहीं, कोई आवश्यक नहीं, आपको सिर्फ ध्यान का समय बढ़ाइए। अच्छा, ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच, ध्यान का समय ज्यादा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू पंजाबी जी, थैंक यू सो मच पंजाबी सर, थैंक यू सो मच। और डर के पंजाबी सर, आइए शाम को 5 बजे पत्री जी से मिलने। हाँ हाँ, पक्का पक्का, आप कलकत्ता भी जाते हैं उनसे मिलने, तो अभी मुंबई में भी आया करिए। नहीं, मैं मुंबई में रहता हूँ सर।
हाँ जानता हूँ मैं, इसीलिए कहा कि आप कलकत्ता जाकर मिलते हैं, अभी मुंबई आकर शाम को पास समय अगर समय मिलता है जरूर जरूर आइए, आपको निमंत्रण दे रहा हूँ और पत्री के साथ बातें करके और भी अच्छा हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। सर अभी कोई हैंड रेज नहीं है, लेकिन चैट्स में बहुत सारे थैंक यू है आपको। थैंक यू तो सभी को धन्यवाद। सर कैन वी क्लोज द सेशन? यस यस वी कैन क्लोज। थैंक्स फॉर जुड़कर हमें बांटने का जो